कि 30 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है। टीएस हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है, इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम आपने? आरोप ये लगाया कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेल ठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज़ का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा एक बार भाई, महिला आयोग में भी आप गई थी? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं, हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उसे अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। क्या अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी मैं अभी थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे? क्या आरोपी? अभी आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है SHO और प्रशिक्षु हैं एक ऋतु राज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था ऐसा, कुछ समझ में आया क्या ऐसा? कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज़ को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे एक महीने से मुझे एक महीने से ज्यादा से गायब थी बिना सूचना। अगर मैं एक महीने से गायब थी बिना सूचना के तो अभी तक मुझे सोकॉज क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है? क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्थित हूँ। अब मुझे 10 तरह के एलिगेशन मुझ पे लगाए जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल उपस्थित थी। 13 दिन के लिए मुझे कोरोना हुआ था, वो भी मैं ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं थाना पे उपस्थित हुई थी। उसके बाद भी मुझे इस तरह की मानसिक पीड़ता दी जा रही है। कोरोना का इलाज मेरा जहाँ होना चाहिए वहाँ कराया गया था, सदर हॉस्पिटल में, और मैं होम क्वारंटाइन हूँ। क्या लग रहा है न्याय मिलेगी? न्याय मिलेगी एक लेडी के साथ इस तरह का? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है अपने वरीय पदाधिकारी पे कि वो मेरे लिए न्याय करेंगे। और मेरे हम क्लियर है जब कहाँ पर आपको इंजुरी बताइए, आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए। मेरे साथ तो बस मारपीट हुई है एंड आई वाज शॉक कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विद मी। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान, दिस इज नॉट एन ओल्ड निशान। मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने हाथ भी नहीं उठाया इसमें। हम लोग तो उस आप पर भी आरोप है कि जो ड्यूटी देखिए आरोप जो लगाना है वो लगा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मणिकृष्ण यादव हुआ। हस्बैंड है? मैं इनका हस्बैंड हूँ। पूरी घटना आपके सामने हुई है? नहीं, मैं इनको छोड़ के चला गया था। मैं जब वापस इनको लेने के लिए आया तब ये घटना घटी है। इनके साथ ऑलरेडी ये घटना घट लंबे समय तक आप बैठे रहे हैं? नहीं, रही हूँ कि अब जो भी बोला जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने साइड से जो बोल रही हूँ उसको आप लोग मानिए। आईजी साहब से क्या आश्वासन मिला है? आईजी से मुलाकात नहीं हुई अभी, वो नहीं। आज भी जांच के लिए टीम पे थी अभी नहीं, जब बात होगी उसके बाद ही। आज आईजी साहब से क्या आश्वासन मिला है? जो सच्चाई था वो सब देख लिए हैं। अच्छा, आईजी सर से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात होगी उसके बाद ही ना। उसके बाद हम फिर भी लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा? पुलिस कर्मी का क्या कहेंगे? घटना क्या घटी? घटना क्या घटी है वो तो आप लोग को पता ही है कि घटना क्या घटी। कुर्नी में गए थे, वहाँ पे क्या हुआ है बातचीत वगैरह वहाँ थाने पे? हम आते हैं उसके बाद। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पूरा मामला कुर्नी थाना अंतर्गत फकुली ओपी की है, जहां महिला दरोगा ने अपने सहकर्मी दरोगा और ओपी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला दरोगा ने अपने सहकर्मियों पर दुर्व्यवहार और लज्जा भंग करने के साथ ही उनके पति के साथ जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। फकली ओपी में तैनात महिला दरोगा कविता कुमारी ने आरोप लगाया कि ओपी प्रभारी उदय कुमार सिंह और SI ऋतुराज आए दिन उनको प्रताड़ित करते हैं, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते हैं। जब इसकी सूचना महिला दरोगा के पति को मिली तो उसके पति मामले की जानकारी लेने थाने पहुंच गए, जहां ओपी प्रभारी और SI ने महिला दरोगा के पति के साथ
मारपीट की और महिला दरोगा के साथ भी दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की, जिसकी शिकायत महिला दरोगा ने आला अधिकारियों और राज्य महिला आयोग को कर दी है। वही पूरे मामले को लेकर जिला एसएसपी जयकांत ने बताया कि जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। शुरुआती जांच में ड्यूटी को लेकर विवाद सामने आ रहा है। निशेश ठाकुर की रिपोर्ट।